हाँ भाई हेलो। तो लास्ट क्लास में या वीडियो में हमने आपको कुछ चार क्वेश्चन दिए थे फिजिक्स में। तो सबसे पहले हम उन चार क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन था कि एक चार्ज है Q1 2×10⁻¹⁷ कूलम, Q2 3×10⁻¹⁷ कूलम, और उनके बीच में डिस्टेंस था, उनके सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस था 30 सेंटीमीटर, यानी कि 0.3 मीटर। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, क्योंकि हमें इसमें सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन, आप मुझे बताओ लाइक चार्ज है तो क्या होगा रिपल, तो फोर्स निकालनी थी बेसिकली। तो के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर फॉर्मूला लगाया, के क्यों लगा दी 9×10⁹, Q1 लगा दिया, Q2 लगा दिया, आर स्क्वायर यानी 0.3 का स्क्वायर कर दिया। सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6×10⁻³ न्यूटन। सब बच्चे अपना आंसर चेक कर लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन था, दो स्फेयर थे, एक पे चार्ज 0.4 माइक्रो कूलम। बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये भी क्वेश्चन भेजा, तो उन्होंने माइक्रो कूलम को कूलम में कन्वर्ट नहीं किया, बेटा करना पड़ेगा, 10⁻¹ से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक प्लस है एक माइनस है, आपको उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो फोर्स का फॉर्मूला के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर होता है। फोर्स माइनस में क्यों लिखे मैंने, ये लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, जब एक चार्ज प्लस हो एक चार्ज माइनस हो तो फोर्स माइनस में ही लिखी जाएगी। फिर वैल्यू पुट करी सबकी, आर यहाँ से निकाल लिया, आर आ गया 0.12 मीटर, या कह लो 12 सेंटीमीटर, इनमें से कुछ भी कह लो, बात एक ही है, एस आई यूनिट में आंसर छोड़ना बेटर रहता है। ये इसका ए पार्ट था। बी पार्ट कह रहा था कि अगर ए बी पे फोर्स लगा रहा है तो बी ए पे कितना लगाएगा, आंसर है सेम, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। फिर हमें बोल रखा था शो करो कि जो के ई स्क्वायर अपॉन में जी एम ई एम पी, ये जो क्वांटिटी है ये डायमेंशन लेस है, तो पहले हम इसकी यूनिट निकाल देंगे। सोचो अगर कोई चीज़ यूनिट लेस आ जाए, उसकी कोई यूनिट ना हो, तो वो ऑटोमेटिकली क्या भी हो जाएगी, डायमेंशन लेस भी हो जाएगी। तो यूनिट ऑफ एक्स, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ पूरे को, तो के की यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम माइनस टू, ई स्क्वायर हो गया हमारे पास सी स्क्वायर, बिकॉज इलेक्ट्रॉन की चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, तो कूलम का स्क्वायर हो गया। जी की यूनिट 11th में हमने सीखी थी न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी माइनस टू, मास इंटू मास के जी स्क्वायर हो गया, के जी माइनस टू से के जी स्क्वायर कैंसिल हो गया, कूलम माइनस टू से कूलम स्क्वायर कैंसिल हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर से न्यूटन मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो इसकी कोई यूनिट नहीं आई ना, यानी कि नो यूनिट। और अगर इसकी कोई यूनिट नहीं है तो इसके कोई डायमेंशन भी नहीं होंगे, और ये क्वांटिटी कौन सी हो जाएगी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। जो अगला क्वेश्चन दिया था मैंने, शायद 6th क्वेश्चन, वो क्वेश्चन एग्जैक्टली हम लोग क्लास में कर चुके हैं, सिमेट्री है, ये सेम क्वेश्चन हमने क्लास में किया था, तो उसमें आई होप को डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा होमवर्क था, अगर इन केस कोई गलत है या नहीं कर पाए तो वीडियो को पॉज करेंगे और जल्दी से इतना नोट कर लेंगे। तो आज हमें क्या करना है बेटा, आज हमें बात करनी है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में आज बात करेंगे, यानी कि अभी तक हम सिर्फ मैग्नीट्यूड पे फोकस कर रहे थे, लेकिन अब हम थोड़ी सी डायरेक्शन के बारे में बात करना शुरू करते हैं। कुछ नहीं है, कुछ केसेस बना के आपको कूलम्स लॉ को समझना होगा वेक्टर फॉर्म में। यहाँ पे हम एक दो केस कर लेंगे। जैसे हमारे पास ये एक चार्ज है Q1 पॉइंट चार्ज, और ये भी एक पॉइंट चार्ज है Q2, और दोनों चार्जेस लेटर से प्लस हैं। बेटा अगर आपको कोई भी चीज़ वेक्टर फॉर्म में करनी है तो ऑब्वियसली बात है एक डायरेक्शन इंक्लूड करनी होगी। तो हम ये मान लेते हैं कि ये जो डायरेक्शन है ये आर कैप है। क्या है? आर कैप है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है आर, और इधर की डायरेक्शन को हमने आर कैप मतलब पॉजिटिव मान लिया, और इधर की डायरेक्शन को ऑब्वियसली फिर नेगेटिव माना जाएगा। तो फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, अगर मुझे निकालना हो वेक्टर फॉर्म में, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, पहले मुझे इतना पता हो ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे, तो ये वाला इसको इधर रिपेल करेगा और ये वाला इसको इधर रिपेल करेगा, है ना भाई? तो फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, जो फोर्स होगी वो तो होगी के Q1 Q2 / r² ये तो सिंपल है, लेकिन अगर मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो डायरेक्शन भी देनी होगी। अब आर कैप के डायरेक्शन के हिसाब से ये जो फोर्स है
जो सेकंड वाला फर्स्ट पे लगा रहा है, ये आर कैप के डायरेक्शन में है या उसके ऑपोजिट है? उसके ऑपोजिट है, तो माइनस आर कैप आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस आर कैप। आर कैप आई होप आप सबको पता हो, ये एक यूनिट वेक्टर होता है। समझ में आएगा? धीरे धीरे ध्यान से रहो। अब मैं अगर बात करूं फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, सेकंड वाले पे कितनी फोर्स लगेगी ड्यू टू फर्स्ट, यानी ये वाला फोर्स कितने लगाएगा पहले, के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर। मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा बिकॉज एवरी रिएक्शन एज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, लेकिन क्या ये आर कैप की डायरेक्शन में होगा? आर कैप यूनिट वेक्टर है, इसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है ये। तो क्या ये आर कैप, क्या ये आर कैप के डायरेक्शन में ये वाली फोर्स है? तो आंसर है हाँ, तो प्लस रह जाएगा। सोचो आप, अगर आपको अगर आर कैप कंफ्यूज कर रहा था, सोचो यहाँ पे आपने ले लिया नॉर्थ, क्या ले लिया नॉर्थ, तो यहाँ पे क्या आ जाता, नॉर्थ का माइनस मतलब साउथ, और यहाँ पे क्या रहता नॉर्थ। आर कैप सिर्फ डायरेक्शन दिखा रहा है, टेंशन नहीं लेनी है। अब एक और केस करते हैं, केस सेकंड। ये हमारे पास एक चार्ज है क्यू वन और ये हमारे पास एक चार्ज है क्यू टू और इनके बीच में डिस्टेंस है आर, एक प्लस का है इस बार और एक माइनस का, यानी क्यू वन हमारा माइनस का और क्यू टू हमारा प्लस का। और लेट अस सपोज ये हमने ले लिया आर कैप, तो मुझे बताओ फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, फर्स्ट वाले पे फोर्स ड्यू टू सेकेंड, तो क्या ये फोर्स, अब ये दोनों चार्जेस लाइक हैं या अनलाइक हैं? अनलाइक हैं, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे तो ये फोर्स एक दूसरे की तरफ कुछ इस प्रकार होगी बेटा। अब फोर्स फर्स्ट वाले पे सेकेंड के द्वारा इधर है, वैल्यू क्या होगी, के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर। अब आप प्लस माइनस के ऊपर ध्यान नहीं दोगे क्योंकि हम डायरेक्शन को आर कैप के फॉर्म में ले रहे हैं। अब मुझे पता हो फोर्स आर कैप के डायरेक्शन में ही है, अगर ये आर कैप के डायरेक्शन में ही है तो बस आर कैप आ जाएगा, यानी कि प्लस में। और अगर मैं बोलूँ फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, तो ये इधर की तरफ अट्रैक्ट होगा इसकी वजह से, जो कि आर कैप के ऑपोजिट है, तो माइनस के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर, साथ में आर कैप हमारा आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या आ जाएगा, एफ टू ड्यू टू फर्स्ट, यानी फोर्स सेकेंड वाले पे फर्स्ट की वजह से क्या आ जाएगी, माइनस के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। माइनस क्यों आया, क्योंकि आर कैप के ये जो फोर्स है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। कोई प्रॉब्लम इसमें आई होप नहीं होनी चाहिए आपको। ऐसे ही दो केस मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये दोनों केस आपको घर से करके आने होंगे बेटा, केस थर्ड और केस फोर्थ। यहाँ पे हमारे पास एक चार्ज है क्यू वन, यहाँ पे हमारे पास एक चार्ज है क्यू टू, इनके बीच में डिस्टेंस आर है, ये प्लस का है ये माइनस का है, और आर कैप इधर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक चार्ज है हमारे पास क्यू वन, यहाँ पे हमारे पास एक चार्ज है क्यू टू, दोनों चार्जेस माइनस के हैं, नेगेटिव हैं, माइनस क्यू वन और माइनस क्यू टू, ठीक है जी। और ऊपर की तरफ हमने आर कैप ले लिया है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये दो केस आपके लिए होमवर्क है, और ये दो केस मैंने आपको करा दी, कुछ भी नहीं है, कूलम्स लॉ एंड वेक्टर फॉर्म सेम है, बस वेक्टर के रिस्पेक्ट में बात करनी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग ये जीरो है, एग्जाम में इसका कोई लेना देना नहीं है। स्टिल वीडियो को पॉज करेंगे जल्दी से और नोट करें। तो अब हम बात करने वाले हैं आज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, पहले समझेंगे डायग्राम वाइज कि ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या है। मतलब सबसे पहले जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बनाई गई थी वो क्या थी, अब उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन कर दिए गए उसके बारे में भी हम बात करेंगे बेटा। ये एक हमारे पास ग्लास का कंटेनर है, कांच का, और इस कांच के कंटेनर के अंदर यहां पे एक मेटल का रिसीवर है और यहां पे हमारे पास एक मेटल की रॉड है, मेटल है ये भी,
आप अभी समझाएंगे किस काम आता है, क्या है ये। और यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे दो गोल्ड लीव्स लगी हुई हैं, गोल्ड की पत्तियां हैं जो कि यहाँ पे दो लगी हुई हैं। दैट्स इट, बस ये है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप काम कहाँ आता है, ये हेल्प करता है हमारी ये बताने में किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज है या नहीं। जैसे कि हमने वीडियो की शुरुआत में पढ़ा था कि रब करने से चार्ज आ जाता है, अब मैं कैसे पता लगाऊंगा चार्ज है या नहीं है। लेट से मैंने एक कॉटन के क्लोथ से या एक सिल्क के क्लोथ से एक ग्लास रॉड को रब कर दिया, अब ग्लास रॉड पे चार्ज आया कि नहीं आया ये कैसे पता लगाएंगे। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक्चुअली में एक डिवाइस है जो कि हमारी मदद करता है, हमारी हेल्प करता है टू डिटेक्ट द चार्ज, वेदर द ऑब्जेक्ट इज चार्ज्ड और नॉट। तो आप कह सकते हो कि इट इज अ डिवाइस विच हेल्प्स अस टू चेक वेदर द बॉडी इज चार्ज्ड और नॉट, ऑब्जेक्ट जो है वो चार्ज्ड है या नहीं, कैसे पता लगाता है ये। लेट से आपके पास यहाँ पे एक रॉड है जिसके ऊपर चार्ज है, कौन सा चार्ज है अभी फिलहाल उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रॉड के ऊपर चार्ज है। जैसे आप उस रॉड को इस मेटल के रिसीवर पे टच करोगे, ये चार्ज इधर ट्रांसफर होने लग जाएगा बिकॉज मेटल चार्जेस को अपने तरफ खींचता है। तो ये सारे चार्जेस इस रॉड पे ट्रांसफर होने लग जाएंगे और इस रॉड से होते होते मतलब इस रिसीवर पे आएंगे पहले, फिर इस रॉड पे आएंगे और इस रॉड से आते 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 वो दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्जेस दोनों के दोनों लीफ पे आके बैठ जाएंगे। और अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज लीफ पे आके बैठ गए तो क्या ये कहना सही है, ये लीफ एक दूसरे को रिपेल करेंगी, और अगर रिपेल करेंगी तो क्या ये कहना सही है कि ये लीफ एक दूसरे से दूर हो जाएंगी। और जैसे ये लीफ एक दूसरे से दूर हो जाएंगी ये साबित करेगा कि इस रॉड के ऊपर चार्ज था। अब आप कहोगे सर गोल्ड लीफ ही क्यों, रीजन बीइंग बिकॉज गोल्ड लीफ, गोल्ड बहुत हल्की लीव्स बना सकता है, पतली लीव्स बना सकता है। बेटा वैसे प्रैक्टिकली आज की डेट में हम लोग ये एल्यूमिनियम फॉइल के साथ भी कर सकते हैं, एल्यूमिनियम की फॉइल भी लगा सकते हैं, बट अगर ये काम बहुत अच्छे से करना है तो गोल्ड लीफ लगानी बेहतर रहती है। मैं अभी आपको एक क्लिप दिखाऊंगा जहां पे आपको देखने को मिलेगा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप काम कैसे करता है, एक बार देखिए। हम लोग एल्यूमिनियम फॉइल भी यूज कर सकते हैं अगर गोल्ड लीफ नहीं है पॉसिबल तो। तो आपने देखा कि कैसे एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप काम करती है बहुत ही तरीके से। लेकिन अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। अच्छा पहला होमवर्क क्या है आपके लिए, यहाँ पे एक होमवर्क मैं आपको दे चुका हूँ कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, दूसरा होमवर्क है आपको कंस्ट्रक्शन और वर्किंग ऑफ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप समझाना है। हालांकि जब आप हम लोग मुझसे बैच में मिलोगे आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे तो ये मिलेगा आपको, अभी मैं लिखूंगा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, बट मैंने आपको समझा दिया है। तो इसके कंस्ट्रक्शन और वर्किंग आप खुद लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन मतलब ये कैसे बना हुआ है, एक ग्लास कंटेनर है, बाहर एक मेटल का रिसीवर है, उसके साथ एक रॉड है, नीचे दो गोल्ड लीफ लगी हुई है, ये हो गया कंस्ट्रक्शन। वर्किंग जैसे कोई भी चार्ज बॉडीज के रिसीवर पर टच करेंगे वो चार्ज सेम चार्ज रिसीवर पे आएगा, रॉड पे आएगा, दोनों फॉइल पे आएगा, दोनों फॉइल पे सेम चार्ज आने की वजह से वो फॉइल एक दूसरे को क्या कर देंगे बेटा, रिपेल कर देंगे और एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। हाँ जी, अब सवाल उठता है कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप ये कैसे पता लगाएगी कि चार्ज कौन सा है। देखो इसने ये तो पता लगा दिया कि चार्ज है, सोचो अगर इस रॉड पे चार्ज पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव होता तो क्या प्रोसेस सेम होता, आंसर है हाँ, ये नेगेटिव चार्ज रिसीवर पे आता, इस रॉड पे आता, दोनों लीफ पे नेगेटिव चार्ज आता तो वो रिपेल ही होती बिकॉज नेगेटिव भी नेगेटिव को क्या करता है, रिपेल। तो सवाल ये उठता है कि हम कैसे मतलब मॉडिफिकेशन इन गोल्ड लीफ
इलेक्ट्रोस्कोप, हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में ऐसा क्या बदलाव करें कि वो ये भी डिटेक्ट करना शुरू कर दे कि चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो बहुत ही इजी सी एक मॉडिफिकेशन है जो कि बाद में की गई ये डिटेक्ट करने के लिए कि चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। कैसे करते हैं और देखें बेटा, ये वही रिसीवर है, ये वही रॉड है बेटा, सब कुछ सेम है, और ये वही हमारे पास गोल्ड लीफ है। बस फर्क ये है कि इस बार हमने इस गोल्ड लीफ के इधर एनोड यानी कि पॉजिटिव और कैथोड यानी कि नेगेटिव कनेक्ट कर दिया। अब इससे क्या होगा, ध्यान सुनना। लेट से अगर आप एक पॉजिटिव वाली रॉड लेके आते हो तो ये पॉजिटिव रॉड इस रिसीवर पे आएगा, सेम फॉर नेगेटिव, नेगेटिव लॉग तो नेगेटिव आएगा, और इन दोनों लीव्स पे चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब आप सब इस बात को शायद जानते हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है या पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो इससे क्या होगा, वेरी गुड, ये दोनों लीव इधर की तरफ यानी नेगेटिव की तरफ मुड़ जाएंगी। इस बार हम एक लीफ से भी काम कर सकते हैं, बट अगर आपको उसी गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में मॉडिफिकेशन करनी है तो मैंने दो की दो रखी, हालांकि अब एक से भी काम हो जाएगा बिकॉज एक लीफ भी होगी तो वो उधर उधर मुड़ जाएगी, लेकिन यहां पे दोनों लीफ है अगर मान लो तो दोनों लीफ किधर मुड़ जाएंगी, शाबाश नेगेटिव की तरफ। अगर वो ये लीफ यहां आ जाएगी बेटा, यहां आ गई, ये वाली आगे चली जाएगी। अब सोचो अगर दोनों लीफ नेगेटिव की तरफ चले गई, इसका मतलब रॉड पे चार्ज पॉजिटिव था, वेरी गुड, और अगर ऐसे ये दोनों लीफ पॉजिटिव की तरफ आ जाएंगी इसका मतलब रॉड पे चार्ज नेगेटिव है। तो बहुत सिंपल सी मॉडिफिकेशन है कि बाय अटैचिंग ऑपोजिट एंड्स ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप विद एनोड कैथोड वी कैन डिटेक्ट द टाइप ऑफ चार्ज ऑल्सो इन अ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में अगर हम कोनों कोनों पे क्या भी लगा दें, इलेक्ट्रोड्स लगा दें, एनोड कैथोड लगा दें, तो हम ये भी डिटेक्ट कर पाएंगे कि उसके ऊपर चार्ज कौन सा है। ये वाली गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप सिर्फ ये पता देती कि चार्ज है, लेकिन ये बताते चार्ज कौन सा है। तो वीडियो को पॉज करेंगे और इतना नोट करेंगे जल्दी से। हाँ जी, तो इस चैप्टर का नाम था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। हम लोगों ने चार्ज के बारे में पढ़ लिया, आज मैं पढ़ना शुरू करना है व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज का नया टॉपिक शुरू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑब्वियसली आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू तो करेंगे लेकिन ख़त्म नहीं कर पाएंगे। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ज़रा समझेंगे बेटा। तो आप कह सकते हो इसकी दो डेफिनेशन है, एक थियोरेटिकल डेफिनेशन है और एक मैथमेटिकल। पर थियोरेटिकल डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे तो रीजन अप टू विच एनी चार्ज कैन क्रिएट इट्स इन्फ्लुएंस या फिर फोर्स ऑन अनदर चार्ज। हाँ जी बेटा, ये क्या कह रही है डेफिनेशन, जरा समझेंगे इसको। लेट अस सपोज हमारे पास ये एक चार्ज है क्यू, और इस क्यू चार्ज के आसपास मैंने एक और चार्ज रखा हुआ है क्यू नॉट। अगर हम अभी फिलहाल इस वाले चार्ज को कंसिडर कर रहे हैं तो लेट से मैंने क्यू नॉट को पहले यहां पे रखा, तो ये इसको यहाँ से अगर मान लेते हैं ये एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेता है। लेट से मैंने क्यू नॉट को यहाँ पे रखा तो भी ये इसको अट्रैक्ट कर लेता है। लेट से क्यू नॉट को यहाँ रखा तो भी ये इसको अट्रैक्ट कर लेता है। लेट से क्यू नॉट को यहाँ रखा तो ये इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाता, यहाँ तक कर लेता है यहाँ तक नहीं कर पाता। इसका मतलब ये हो गया कि ये इतने एरिया, अब ऐसा हर जगह होगा इधर इधर, तो ये इतने एरिया तक ये जो क्यू नॉट है ये इतने बड़े एरिया तक Q
क्यू की तरफ क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट, ये पूरे एरिया तक अट्रैक्ट हो जाएगा। तो क्या ये कहना सही हो गया कि ये जो गोला हो गया ये इसकी क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब जैसे कि मान लेते हैं चार्ज है, ये चार्ज अपने आसपास कितने एरिया तक, कितने रीजन तक, कितने वॉल्यूम तक दूसरे चार्ज पार्टिकल्स पे फोर्स लगा सकता है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे क्रिकेट फील्ड होती है, एक एरिया जहाँ पे हम क्रिकेट खेल सकते हैं, ऐसे ही बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक चार्ज पार्टिकल के आसपास कितने बड़े एरिया पे वो चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल्स पे क्या लगा सकता है, फोर्स लगा सकता है, उस रीजन को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हो गई थ्योरी वाली डेफिनेशन। अब अगर मैं मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करूं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज पार्टिकल ऑन अनदर चार्ज पर यूनिट मैग्नीट्यूड हाँ जी, तो ये हो इसकी थ्योरी वाली डेफिनेशन। अब इसकी अगर मैथमेटिकल डेफिनेशन पे हैं, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज विच इज केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मैथमेटिकली क्या है, पहली बात तो इसका सिंबल ई है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, लेट अस सपोज हमारे पास ये चार्ज था क्यू, हमें इस क्यू वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो हमें उसके लिए एक और चार्ज चाहिए होगा। अभी के लिए फिलहाल मान लेते हैं ये क्यू नॉट है, हालांकि ये टेस्ट चार्ज है, इस टेस्ट चार्ज में ही अपने आप में इसके अंदर बहुत खास बातें हैं, जो कि हम अगले वीडियो में देखेंगे कि इसमें अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, बहुत खास चीज़ें हैं इसके अंदर। लेकिन अभी के लिए फिलहाल, व्हाट डू यू मीन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्यू चार्ज है, कैपिटल क्यू चार्ज है, और मुझे इस कैपिटल क्यू चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ऑब्वियस सी बात है, तो मुझे उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए एक और चार्ज रखना पड़ेगा, जो क्योंकि अकेला चार्ज तो किसी पे फोर्स लगाएगा नहीं, तो मैंने चार्ज रख दिया क्यू नॉट। अब ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पे कोई फोर्स तो लगाएगा ना, तो वो कितनी फोर्स लगाएगा पर यूनिट, वो चार्ज जो हमने उसके अंदर उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था, इसको बोलते हैं हम लोग क्या बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, फोर्स अपॉन में चार्ज। क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज विच इज केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगली क्लास में हम इस क्यू नॉट को एक नया नाम देंगे, वो होगा टेस्ट चार्ज। प्लीज, वो बात की बात है, टेस्ट चार्ज प्लीज। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी आपके मन में शायद कुछ सवाल उठ रहे होंगे, ये क्या है, कितनी वैल्यू है इसकी, क्या साइन है इसका, सब बात की बात है। लेकिन इतना समझ में आता होगा कि अगर मुझे किसी एक चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो उसके आसपास मुझे एक और चार्ज रखना पड़ेगा, तभी तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाऊंगा ना। सोचो, मुझे चेक करना है कि एक मैग्नेट अपने आसपास कितने एरिया तक चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकती है, तो भाई मुझे रख के तो देखना ही पड़ेगा ना, एक लोहे का टुकड़ा लाना पड़ेगा ना, हाँ अट्रैक्ट हो गया, अरे अट्रैक्ट हो गया, अरे अट्रैक्ट हो गया, अरे अट्रैक्ट हो गया, अरे अब नहीं हो रहा, यहाँ तक हो रहा है, यहाँ तक नहीं हो रहा, इसका मतलब ये इसकी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ऐसे बेटा अगर मुझे किसी चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो ऑब्वियसली बात है मुझे उसके पास एक और चार्ज तो रखना ही पड़ेगा, जिस पे वो अट्रैक्शन या रिपल्शन की फोर्स लगाएगा, तो ये वही चार्ज है। और इलेक्ट्रिक फील्ड मैथमेटिकली क्या है, कितनी फोर्स हमारा वाला चार्ज लगा रहा है दूसरे पे, फोर्स कितनी लगा रहा है पर यूनिट, दैट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात ध्यान रखनी है आपको। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है ऑब्वियसली, इसकी डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे क्लास में हम। और एक और इंपॉर्टेंट बात बेटा, इसकी एसआई यूनिट क्या है, फोर्स
फोर्स की न्यूटन और चार्ज की कूलम, तो हो गए न्यूटन पर कूलम। इसकी दो डेफिनेशन है, पहला कितने एरिया तक ये क्या लगा सकता है कोई भी चार्ज पार्टिकल, फोर्स उसको बोलते हैं उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा कि कितनी फोर्स लगाता है एक चार्ज पार्टिकल पर यूनिट, वही चार्ज जो हमने उसकी फील्ड को निकालने के लिए रखा है। हम अगली क्लास में इसको टेस्ट चार्ज बोलेंगे, तो एक और डेफिनेशन बन जाएगी, बट अभी के लिए आप समझें कि टेस्ट चार्ज क्या है छोड़ देते हैं, अभी के लिए समझें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की दूसरी डेफिनेशन क्या है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। कौन सा चार्ज? हमारा वाला नहीं, वो वाला जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है इसकी फोर्स को निकालने के लिए। तो आज के लिए इतना ही करेंगे हम लोग। आपसे रिक्वेस्ट है कि होमवर्क टाइम पे भेजें बेटा, जो क्वेश्चन आज मैंने कराए थे वीडियो की शुरुआत में उनकी करेक्शन कर लें, इस वीडियो को पॉज करके इतना नोट कर लें। अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी तक हमारी चार क्लासेस हो गई, हमने एक भी डेरिवेशन नहीं की है। फिजिक्स का दूसरा नाम ही क्या होता है, डेरिवेशन, लेकिन एक भी डेरिवेशन नहीं आई है। लेकिन मेरी बात गौर से सुनिएगा, अगली क्लास में हम लोग डेरिवेशन करेंगे, पहली, हाँ खुश हो जाओ, पहली डेरिवेशन आएगी फिजिक्स की। वीडियो को पॉज करके नोट करें। थैंक यू सो मच।